फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल मैं हूँ किरण और राज दोस्तों फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आई हूं जिससे आप अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हो आपके बालों की मजबूती बहुत ही अच्छी होगी बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और दोस्तों आपके बाल बेहद मुलायम खूबसूरत और सिल्की शाइनी हो जाएंगे जस्ट लाइक मी दोस्तों आपको आज का ये नुस्खा बेहद पसंद आने वाला है ट्राई ज़रूर करिएगा तो चलिए आज का ये नुस्खा बनाने बनाते हैं बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा प्याज प्याज यानी कि अनियन हर घर में होता है दोस्तों घर घर में क्योंकि घर घर में सब्ज़ियों में जो अनियन बनाने का जो अनियन होता है इस्तेमाल किया ही जाता है तो अनियन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आपके घर में इज़िली मिल जाएगा सबसे ईजिली अवेलेबल इंग्रीडियंस होता है अनियन तो सबसे पहले क्या करना है आपको एक प्याज लेना है प्याज के सबसे पहले छिलकों को आप निकाल सकते हैं वैसे प्याज के छिलकों को नहीं निकालिएगा तभी बहुत ही काम आएगा क्योंकि प्याज के छिलके का भी बेहद उपयोग मैंने मेरे चैनल पर बताया हुआ है तो यहाँ पर बिना प्याज छिले हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मेरी तरह यहाँ पर छिल भी सकते हैं यानी कि पील कर सकते हैं प्याज के छिलकों को निकाल भी सकते हैं प्याज में दोस्तों भरपूर मात्रा में होता है विटामिन सी उसके साथ साथ ही इसके अंदर सल्फर पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसकी वजह से आंसू वगैरह भी निकलते हैं और उसके साथ साथ ही दोस्तों प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका जो रस होता है ना प्याज का रस कहा जाता है वरदान होता है हमारे बालों के लिए अगर इसका रस आप अपने बालों पर लगाते हो ना तो आपके बालों की जो टूटने झड़ने की समस्या है वो जड़ से ख़त्म होगी बाल मजबूत होंगे जड़ों से और बालों की लंबाई भी रफ्तार से बढ़ेगी दोस्तों तो इस तरीके से आपको प्याज को काट लेना है उसके जिस तरह से हमने स्प्रिंग के जैसा काटा है ना बिल्कुल रिंग शेप में तो रिंग जैसा आपको प्याज को काट काट करके उसका सारे रिंग्स निकाल लेने हैं तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको वैसा ही करना है आपको किसी भी बर्तन में लेना है पानी पानी यहाँ पे दो गिलास ले सकते हैं आप चाहे तो एक ग्लास ले सकते हैं चाहे तो तीन ग्लास भी ले सकते हैं जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो उस तरीके से आपको यहाँ पे पानी ले लेना है और इस पानी में आपको ये जो हमने रखा हुआ है प्याज को उस रिंग्स नुमा काट करके वैसे प्याज काटने का कोई स्पेशल नहीं है कि आपको रिंग जैसा ही काटना है किसी भी शेप में आप साइज़ में प्याज काटिए क्योंकि उसको पानी में डाल करके उबालना ही है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग स्टाइल में काटा है और अलग तरीके से भी बताया है सभी लोग की जैसा नहीं बताया है आप किसी भी तरीके से प्याज यहाँ पे काटिए प्याज को आपको यहाँ पे उबालना है उबालने के लिए आप यहाँ पे पंद्रह से बीस मिनट से भी ज़्यादा टाइम तक उबाल सकते हैं बिल्कुल कम आँच पर क्योंकि यहाँ पर प्याज जब आप उबालिएगा ना उसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा उसका ढक करके इसको और भी छोड़ देना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए जब ये ठंडा हो जाएगा तो अब देखिएगा बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप में आ चुका है इतना आपको छोड़ना है पानी में इतनी देर तक यानी पंद्रह बीस मिनट तक इसको अच्छे से खोला ले उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा कर ले उसी पानी में प्याज का जब तक ये कलर चेंज ना हो जाए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उसके बाद इस पानी को आपको छान लेना है ठीक है पानी को छानने के बाद ये जो पानी आपका मिला है ना बिल्कुल ज़बरदस्त और मैजिकल पानी मिला है दोस्तों अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है ये हमारा है नींबू का रस नींबू में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दोस्तों ये हमारे बालों को बहुत ही बढ़िया सा शाइन भी देता है बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों कि नींबू जो है नेचुरल ब्लीच का काम करता है लेकिन अगर आप नींबू का इस्तेमाल करोगे तो बाल वाइट हो जाएंगे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा आपका बाल वाइट नहीं होगा आपके बालों से डैंड्रफ वगैरह खटा के इन्फेक्शन वगैरह खटा के आपके बालों को मज़बूत करेगा आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा दोस्तों तो इस तरीके से आधा यहाँ पे हमने नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया है और ये पानी हमारा ज़बरदस्त और मैजिकल बन चुका है अब आपको क्या करना है आपको आपके बालों पर इस वाले रस को अप्लाई करना है अब अप्लाई कब करना है अप्लाई जब करिए जब भी आपको नहाना हो आप जब भी नहाने के लिए जा रहे होते हैं उस टाइम पे इस पानी को आपको अच्छे से अपने बालों पे लगा लेना है तो नहाने के पहले काफ़ी अच्छे से आपको पूरे बालों पे इसको लगा लेना है स्कैल्प से शुरू करें और स्कैल्प से शुरू करने के बाद आपको पूरे बालों पे लगाना है स्कैल्प पे लगा के काफ़ी अच्छे से इसको मसाज भी देना है आपको और उसके साथ साथ ही आपको पूरे जरों से सिरों पे इसको लगाना है इस तरीके से क्योंकि ये जो पानी है बिल्कुल ज़बरदस्त और मैजिकल पानी है बहुत सारे लोग इसकी जो स्मेल होती है वो सोचते हैं प्याज की स्मेल है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी तो इसलिए बहुत देर तक नहीं रख पाते हैं तो मिनिमम आपको दो घंटे अपने बालों पर रखना है उसके बाद ही जल चल करके आपको इसको साफ करना है या शैम्पू करना है दो घंटे अच्छे से लगा ले इस तरीके से पूरा बालों को अच्छे से भिंगा लें उस पानी से और उस पानी को लगाने के बाद इसको दो घंटा अपने बालों पर छोड़े और उसके बाद ही आपको इसको शैंपू करना है तो यहां पर मैं लगभग लग लग दो घंटे लगा के छोड़ी हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने शैंपू कर लिया है शैंपू करने से क्या होगा जो प्याज की तीखी स्मेल होती है वो आपके बालों से निकल जाएगी और आपके बालों की एक अलग सी मजबूती होगी दोस्तों शैंपू करने के न? बाद आपको पहले बार के इस्तेमाल से बहुत फर्क दिखेगा आपके बाल बेहद सुंदर खूबसूरत मुलायम लगेंगे बालों की लंबाई इतनी अच्छी होगी ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ मतलब मेरे बाल तो आप देख सकते हैं पहले से और अब बहुत ही अंतर है मैं बालों की देखभाल भी अच्छी करती हूँ और बालों में कुछ ना कुछ डी आई वाइज इस्तेमाल करती रहती हूँ आप ट्राई करते रहिए घर का घरेलू नुस्खा बहुत ही फायदेमंद होता है कुछ ना कुछ लगाते रहिए बालों पर इस तरीके का और बाल को जो है दोस्तों सुंदर और खूबसूरत बनाइए और शैम्पू का डी आई वाइज भी आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी मिलेगी प्लेन शैम्पू ना लगा के इसको कुछ ना कुछ लगा करके इस्तेमाल कीजिए बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बाल आपके होंगे तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें